आई थिंक पहली बात तो थैंक यू बधाई देने के लिए कि एक इतना सक्सेसफुल रन रहा है। एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे जहाँ पर उसे इतना सारा प्यार मिले, इतना सारा सम्मान मिले। सो बहुत सारी खुशियाँ बटोर कर जा रहा हूँ मैं यहाँ से, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द वे द शो हैज़ शेप्ड अप, द वे माय रोल हैज़ शेप्ड अप, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। सो मेरे लिए एक यादगार सफ़र रहा है। ये जानकर खुशी हुई कि लोगों को इतना पसंद आया है एंड इतना इमोशनल है, इमोशनली कनेक्टेड है एक किरदार से, जबकि कोशिश यही रही हमारी, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं किरदार को एक इंसान बना पाऊँ, तभी हम एज एन ऑडियंस कनेक्ट होते हैं एक किरदार से, जब वो इंसान की तरह ट्रांसलेट होता है ऑन स्क्रीन। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर इमोशनली कनेक्टेड टू विराट, और उसके अप्स एंड डाउन्स, उसकी हंसी में, उसके दुख में, उसके साथ में। सो आई एम ये जानकर खुशी मिलती है कि एक तरह से एज एन आर्टिस्ट वो ट्रांसलेट कर पाया हूँ जो मेरे राइटर्स, मेरे मेकर्स ने जो विजन बनाया था इस शो का, इस किरदार का, उसे मैं थोड़ा बहुत जस्टिस दे पाया। सो आई एम जस्ट हैप्पी। आई मीन लास्ट डे है आई नो, और इससे कई पहले, इसके पहले भी कई शोज कर चुका हूँ, एंड ऑब्वियसली इट्स अ इमोशनल थिंग, बट इमोशनल डजंट मीन ऑलवेज योर क्राइंग बकेट्स। इमोशंस कैन ऑल्सो मीन हैप्पी इमोशंस, नॉस्टैल्जिक इमोशंस, चेरिशिंग थिंग्स। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, अंदर एक खुशियों से भर गया हूँ मैं आज, सीरियसली। मैंने यही सोचा था कि जब भी मेरी ये जर्नी पूरी होगी, मैंने ये नहीं सोचा था कि आज या जब कभी भी ये जर्नी पूरी होगी, उस दिन जब मैं पलट के देखूँ तो एक स्माइल होनी चाहिए, कि अपने काम से खुश होना चाहिए इंसान, और मैं खुश हूँ। तो आई एम हैप्पी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वर्क दैट वी पुट आउट। ऑनेस्टली कुछ नहीं सोचा, ये आज जब ख़त्म होगा मैं एक दो दिन आराम से सोऊंगा, बिकॉज बहुत दिनों से ढंग से सो नहीं पाया हूँ, तो एक दो दिन आराम से सोऊंगा, उसके बाद सोचूंगा करना क्या। सो एज ऑफ नाउ नथिंग इज़ ऑन प्लेट एंड नथिंग इज़ इन द पाइपलाइन, सो ऐसा कुछ भी नहीं। ऑफकोर्स बताया, शी इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इमोशनल अबाउट दिस, बट एट द सेम टाइम एक जर्नी है, कभी ना कभी जैसे शुरू हुई थी ख़त्म भी होनी, सो वी आर वेरी प्रैक्टिकल इन दैट सेंस। सो शुरुआत हुई थी, वो पहले जा चुकी है, तो उससे पता था कभी ना कभी तो होना ही था, इट्स ओके, एक नई जर्नी शुरू करेंगे। सो शी इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। उसका कहने का मतलब ये था कि ये शो हमारे लिए बना, इन द सेंस कि हम इस शो में मिले, शादी हुई। कोई ऐसा सोचता नहीं है कि एक ही शो में रहकर शादी भी हो जाएगी और आगे बढ़ेंगे लाइफ में ऐसे, तो वो उस हिसाब से बोल रही थी कि हम ये शो हमारे लिए बना है। और हाँ, मैं कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ कि ये शो हमारे लिए बना है ऐसे, एंड इट्स अ वेरी पर्सनल इमोशन, इट्स नथिंग टू डू विथ द शो एज सच, इट्स जस्ट अ वेरी। पहली बात तो ढेर सारी किसेस सारे फैंस को, जो इतना सारा प्यार अपना दर्शा रहे हैं मेरे किरदार के लिए, एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। बट लाइक एवरी गुड थिंग मस्ट कम टू एन एंड, एंड एवरी जर्नी दैट बिगिंस ऑल्सो हैज़ एन एंड। सो दिस इज़ जस्ट अ टेम्परे, दिस आई एम नॉट सेइंग ये जर्नी ख़त्म होती है, जी हाँ विराट की जर्नी ख़त्म होती है, लेकिन नील एज एन आर्टिस्ट की जर्नी हमेशा कंटिन्यू रहेगी, एंड इट्स जस्ट अ पॉज बटन फॉर अ वाइल। सो जैसे ही प्ले होगा आपको पता चल जाएगा।